हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैनीताल हिमालय प्रॉपर्टी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सबके लिए एक और शानदार प्रॉपर्टी का रिव्यू लेकर आए हैं जो काफ़ी मज़ेदार लोकेशन में रहने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार लैंड का रिव्यू लेकर आए हूँ आपके लिए और काफ़ी मज़ेदार लोकेशन में मिल जाती है वो प्रॉपर्टी। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिल सके। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में आपको प्रॉपर्टी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज एक बार फिर से आप सबके लिए एक और लैंड का रिव्यू लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार लैंड मिल जाती है आप सबको। ये देखिए, ये सामने में आपके लैंड मिल जाती हैं। एक नाली का 1800 स्क्वायर फीट की लैंड मिल जाती है ये सामने में आपके। ये देखिए, जो आपको खेत दिख रहे हैं ये सामने में 1800 स्क्वायर फीट की खेत हैं, प्लॉट हैं, और इनमें से आपको 1800 स्क्वायर फीट या एक नाली या एक दो नाली इस टाइप की पैच दे सकते हैं, मिल सकते हैं। जो लोग 1800 स्क्वायर फीट की लैंड लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे कि आसपास में काफ़ी सारे कॉटेज, हाउस, बिला आदि बने हुए हैं। ये देखिए, ये लैंड है नीचे और इनमें रोड एक्सेस मिल जाता है और प्लॉटिंग की हुई है। और व्यू की बात करें तो पूरा हिमालय व्यू में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है आपके सामने में। पूरा हिमालय व्यू है ये। अभी सामने में हिमालय व्यू ओपन नहीं है, थोड़े दिनों में ज़्यादा ओपन हो जाएगा, पर काफ़ी शानदार हिमालय व्यू इस प्रॉपर्टी से देखने को मिलता है। और लाइट, पानी, रोड की बात करें तो रोड एक्सेस मिल जाता है इस प्रॉपर्टी में, और लाइट का कनेक्शन मिल जाता है और पानी का कनेक्शन भी मिल जाता है। बाकी काफ़ी शानदार लैंड है और बहुत बहुत दूर दूर तक इस प्रॉपर्टी से व्यू देखने को मिलता है। और आसपास में काफ़ी सारे कॉटेज, हाउस, बिला आदि बने भी हैं, रेंटल पर्पज पे भी यूज होते हैं और पर्सनल भी लोग रहते हैं, गर्मियों में भी रहते हैं और हमेशा भी परमानेंट भी लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट प्लेन लैंड है, काफ़ी शानदार प्लेन टेरिस हैं, प्यारे प्यारे टेरिस हैं, शानदार खेत हैं और प्रॉपर्टी से शानदार प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है तथा हिमालय व्यू, फुल हिमालय व्यू इस प्रॉपर्टी से देखने को मिलता है। गर्मियों में भी काफ़ी शानदार लैंड है। गर्मियों के वेदर में, जैसे बाहर को गर्मियां होती हैं तो यहां पर काफ़ी अच्छा मौसम वेदर देखने को मिलता है और शांत वातावरण तथा प्रकृति का शानदार नज़ारा इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है। और आसपास में काफ़ी शानदार कॉटेज, हाउस, विला आदि बने हुए हैं, बसावट भी आसपास में। ये देखिए, बाकी लैंड ऑलमोस्ट प्लेन है, ऑलरेडी डेवलप है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करना पड़ेगा पर ज़्यादा डेवलप नहीं है, डेवलपमेंट का ज़्यादा खर्चा नहीं रहने वाला। और बाकी लाइट, पानी, रोड की सुविधा इस प्रॉपर्टी में मिल जाती है और आसपास पे बसावट भी मिल जाती है। जो लोग यह 1800 स्क्वायर फीट का पैच देख रहे हैं, छोटा स्मॉल पैच देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी शानदार हो सकते हैं यह लैंड, क्योंकि प्लेन है और आसपास पे काफ़ी अच्छी बसावट भी है। ये देखिए, लैंड ऑलमोस्ट प्लेन है, खेत हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं रहने वाली। जो लोग 1800 स्क्वायर फीट का पैच, स्मॉल पैच, पर्सनल होम या नेक्स्ट होम के लिए देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी शानदार लैंड हो सकता है। और नियर बाय रानी की लोकेशन की बात करें तो नियर बाय रानीखेत इसकी लोकेशन रहने वाली है। रानीखेत के 5-7 किलोमीटर में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। ज़्यादा दूर नियर रानीखेत से 5-7 किलोमीटर के रेंज में यह प्रॉपर्टी मिल जाती है। और नियर बाय में डेली नीड मार्केट, स्मॉल मार्केट, जनरल स्टोर, नियर बाय में डेली नीड की शॉप, जनरल स्टोर आदि मिल जाते हैं। और 5-7 किलोमीटर में बड़ी मार्केट भी मिल जाती है रानीखेत की, प्रॉपर मार्केट, जहाँ पर सब सुविधाएं, कुछ भी सामान लेना हो ले सकते हैं। और ब्लैक रोड से अंदर को प्लॉटिंग करी हुई है मेन ब्लैक रोड से, और अंदर की रोड इसमें दी हुई है। बाकी प्लॉट 1800 स्क्वायर फीट के हैं। और जो लोग एक नाली, दो नाली भी लेना चाहें तो उनके भी एक दो नाली का पैच भी दे सकते हैं। बाकी 1800 स्क्वायर फीट के काफ़ी शानदार प्लेन पैच हैं। और नियर बाय में जनरल स्टोर, डेली नीड की शॉप, मार्केट, हॉस्पिटल आदि सब सुविधाएँ मिल जाती हैं। जो लोग अपना नेक्स्ट होम बनाने के लिए या पर्सनल होम के लिए, हाउस विला आदि के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी यह पैच काफ़ी शानदार हो सकता है और दूर दूर तक इस प्रॉपर्टी से व्यू देखने को मिलता है।
बहुत ही दूर दूर तक, इस प्रॉपर्टी से बहुत दूर दूर तक हिमालय का शानदार नज़ारा तथा प्रकृति का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है और आसपास में काफ़ी अच्छी बसावट है। जो लोग कम बजट में स्मॉल पैच देख रहे हैं या नेक्स्ट होम के लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी शानदार हो सकता है। बाकी क्लियर टाइटल है, ऑनर पेपर की बात करें तो क्लियर टाइटल है, सब सुविधाएं इस प्रॉपर्टी में मिल जाती हैं, हिमालय व्यू मिल जाता है और नियर बाय में हॉस्पिटल, मार्केट, जनरल स्टोर, डेली नीड्स शॉप आदि मिल जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पैच ऑलमोस्ट प्लेन मिल जाता है, कोई डेवलपमेंट का खर्चा नहीं है और क्लियर टाइटल, ऑनर पेपर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आसपास में काफ़ी अच्छे शानदार शानदार कॉटेज बने हुए हैं। जो लोग को यह प्रॉपर्टी का रिव्यू अच्छा लगता है वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी डिटेल आपको बता दी है। और बहुत ज़्यादा प्राइस कॉस्ट भी नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट है। और ये खेत हैं, काफ़ी शानदार खेत हैं। और यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो रानीखेत का डिस्टेंस 5-7 किलोमीटर है और यहाँ से हल्द्वानी की डिस्टेंस की बात करें तो 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर अराउंड हल्द्वानी का डिस्टेंस मिल जाता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन का। 3 घंटे में यहाँ पर आप हल्द्वानी से आराम से इजिली पहुँच सकते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम से 3 घंटे का रास्ता है मात्र, और रानीखेत से 5-7 किलोमीटर की रेंज है और हिमालय व्यू रेंज है प्रॉपर्टी का। और काफ़ी अच्छा वेदर और काफ़ी शांत वातावरण, सब सुविधाएं इस प्रॉपर्टी में मिल जाती हैं। बाकी लाइट का यहाँ पर पोल लगा हुआ है। जो लोग छोटा पैच देख रहे हैं, 1800 स्क्वायर फीट के प्लॉट देख रहे हैं या एक नाली दो नाली देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी शानदार लैंड है, ऑलमोस्ट प्लेन है और व्यू बहुत सुंदर है। ये देखिए पूरे सुंदर पैच हैं। काफ़ी शानदार शानदार खेत हैं, आसपास पे काफ़ी अच्छी बसावट है। ये देखिए जैसे ही क्लियर वेदर होगा, अभी कुछ दिनों में ये मौसम साफ होगा और थोड़ा साफ होगा तो हिमालय व्यू का पूरा क्लियर नज़ारा देखने को मिलेगा। 1800 स्क्वायर फीट के प्लॉट इस प्रॉपर्टी में मिल जाते हैं। बाकी प्राइस वगैरह सब डिटेल वगैरह पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फ्रंट पे भी आपके प्राइस दिया हुआ है। ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर से व्यू है, अगर ऊपर रोड में आते हैं तो ऊपर की यहाँ से ऐसा व्यू देखने को मिलता है, पूरा व्यू इस टाइप से प्रॉपर्टी का देखने को मिलता है। ये देखिए ये नीचे कॉटेज बने हुए हैं, कॉटेज से नीचे प्लॉट हैं, बीच में नीचे प्लॉट हैं, बाकी ये रोड जा रही है। अभी इस रोड को ब्लैक कर दिया जाएगा कुछ दिनों में, सीसी कर दिया जाएगा थोड़े दिनों में, और बाकी नीचे को ये व्यू देखने को मिलेगा ऊपर से, प्रॉपर्टी के ऊपर से ये सब व्यू देखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह प्रॉपर्टी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।